राजस्थान अपराधियों का गढ़ है, अपराधियों का अड्डा, अपराधियों की एस्का है और अपराध में राजस्थान एक नंबर पर आ गया। इसके लिए वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन है 22 साल से मिला जुलने का खेल है वो जिम्मेदार है। आज हमारे नौजवान ने आत्महत्या करें बेरोजगार तंग आके और किसान कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करा। हमें राजस्थान के नए निर्माण की आवश्यकता। पुलिस का इकबाल राजस्थान में खत्म हो गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक नए राजस्थान के निर्माण की बात करती है। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायोग, इसको लेके हम बड़ी रैलियां, बड़े आंदोलन लगातार 4 साल से कौन लड़ रहा है। विधानसभा में आप देखिए जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेते हैं किसी मुद्दे पर तो RLP से मुद्दे उठाती है। लोकसभा के अंदर 24 MP बीजेपी के, 1 RLP का, चाहे लंपी का मामला हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे दूसरे मामले हो, उस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ हर मामले को, चाहे आपका अग्निपथ था, जो जवान मेरे लिए लोग कहते हैं हनुमान जी जवानों की बात करते हैं, जब जवान तकलीफ में था देश का तो हनुमान बेनीवाल पहला सांसद है, जवानों की तकलीफ मिटाना है, सेना भर्ती जो संविधान दी है सेना को उसको निरस्त कराने के लिए, अग्निपथ को वापिस लेने के लिए अगर एक सड़क पर सांसद आया जोधपुर के अंदर 2 लाख की संख्या में चुनौती दी सरकार को, और जब लोकसभा चली तभी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से विरोध किया कि अग्निपथ को दिल्ली की सरकार वापस ले। इसको लेकर बड़ी रैलियाँ, अग्निपथ और तमाम जो नौजवानों के मुद्दे हैं बेरोजगारी, इनको लेकर आगामी दिनों के अंदर आपको हमारी ताकत नौजवानों के संग सड़कों में नजर आएगी। मुख्यमंत्री को लेकर जिससे अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री का हमारा झंडा नहीं था, वो तो कांग्रेस पार्टी जाने किसको मुख्यमंत्री बनाए, हमारा चाहे तो बनाए नहीं बनाए हमारे क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो सब समान है, जो बने उसका विरोध हमारे को करना। राजस्थान वसुंधरा राजस्थान में एक दौरे पे है और 9 तारीख को दिखाने आ रही है, उसको लेकर वसुंधरा की फिल्म खत्म हो गई। राजस्थान दौरे पे आ रही थी, आप भीड़ देख लें दौरे पे कितनी है, आज भी लाने पड़ते हैं किस तरह। एक जमाना था वसुंधरा थी, लोग उसको देखने सेल्फी के लिए दौड़ते थे, एक जमाना लोग कह रहे हैं देख नहीं ले मेरे को बैठ चुके क्यों सजरे चुरा के 2300 नंबर माड़ा के लिए उसको खड़ा किया था, उसको मेरे कह रहा अंदर नहीं रहना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर उसका दम है, अगर वसुंधरा में स्वाभिमान है तो बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनानी चाहिए।